ठंड का मौसम आ गया तो सर्दी, बुखार, खांसी, हाथ पैर ठंडे हो जाना मेरे के लिए दोस्त इम्तियाज, मेरे चाहने वाले, मेरे खास दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करे थे वीडियो बनाओ बोल के। तो जिनको भी हाथ पैर ठंडे हो जा रहे, सर्दी बुखार हो रही, उन्होंने एक गिलास दूध ले लो सुबह में, एक गिलास दूध, फिर एक चमचा हल्दी का आटा, एक चमचा हल्दी का आटा दूध में डाल के इंशाल्लाह इसे हला के पी लेना। तो एक चमचा हल्दी का आटा और एक गिलास दूध, ये इंशाल्लाह आप सर्दियों के मौसम में लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है हाथ पैर ठंडे नहीं होते, इंशाल्लाह सर्दी बुखार सब नहीं आती, ताकत आती आपको हल्दी वाला दूध पीने से, ठीक है। और ये सुबह में नहार पेट पियो आप, और रात में क्या करो, अंडा, उबला हुआ अंडा ले लो, उबला हुआ अंडा लेके इसे ऐसा काट लो, ऐसा काट लेने के बाद उबालें सो अंडा, हमारे बच्चे देखो कैसा उबाले, हर एक चीज में तजुर्बा रहना है। तो काली मिर्ची का पाउडर, एक 5-6 काली मिर्ची का पाउडर लेके अंडे पे डाल के ऐसा खा लो इंशाल्लाह। उन्होंने रिक्वेस्ट करते ही मुझे पुरानी जिंदगी याद आ गई मेरी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो रात में ड्यूटी करता कॉल सेंटर में, 3,000 मेरी सैलरी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बरकत के थे वो पैसे। रात में जब ड्यूटी हो जाता तो ठंड से ऐसा ऐसा कांपता हाथ पैर, रास्ते में कोई अंगार लगा लेके हुए बैठते तो वहां बैठ के सेक लेता, फिर घर पे जाके जब सोता तो पतला ओढ़ना, कितना लपेटता तो भी हाथ पैर ठंडे ही रहते, ठीक है। ये रेमेडी अगर आप इंशाल्लाह करेंगे तो 8 दिन से इंशाल्लाह आपके हाथ पैर ठंडे होना सब बंद हो जाते इंशाल्लाह, आपके अंदर अच्छी इम्यूनिटी आती, ठीक है, और जो है सर्दी, बुखार, खांसी वगैरह ना नहीं होता इंशाल्लाह। उबले हुए अंडों में काली मिर्ची का पाउडर और दूध में हल्दी, ये इंशाल्लाह, ये रात में अंडे अंडे की रेमेडी आप रात में करो, और ये हल्दी वाला दूध सुबह नहार पेट पियो, इंशाल्लाह बेहतरीन फायदे में रहेंगे आप इंशाल्लाह। और जब भी जितने भी रेमेडीज कर रही, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत, सजदा, यकीन, शिर्क मत करो, क्योंकि अल्लाह नाराज हो जाते शिर्क करने से, और ये पूरी दुनिया मतलब की होती नहीं। तो अपना खास ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 9900 3164975 4141 39 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ उस अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, खुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। खुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद ओलम यूलद, इसकी औलाद नहीं और ना ही अल्लाह किसी की औलाद है, ना ही अल्लाह की कोई औलाद है। ओलम याकुल्लाहु कुफ्फन अहद, तो अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, वो अकेला है, वो तन्हा है, वो वाहिद है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। तो आज का दिन क्रिसमस का दिन है, तो ये सेलिब्रेट कर रहे हमारे मुसलमान भाइयाँ भी कर रहे हैं, गैर मुसलमान भाइयाँ भी कर रहे हैं। मेरी क्रिसमस का मतलब है कि अल्लाह बेटे को जन्म दिए बोल के, मेरी क्रिसमस। तो अल्लाह ताला कुरान में बोल रही, मैं सारे गुनाह को माफ़ कर देता हूँ लेकिन शिर्क को मैं माफ़ नहीं करता। शिर्क क्या है? अल्लाह को अल्लाह के अलावा कोई और चीज़ों के ऊपर यकीन, भरोसा, अकीदा, अल्लाह को औलाद है बोल के मानना, अल्लाह को जो है अल्लाह किसी की औलाद है बोल के मानना, ये सब एक शिर्क है और ये बहुत बड़ा शिर्क है। तो अल्लाह नाराज़ हो जाते इससे, मेरी क्रिसमस बोलना भी शिर्क है।
तो हमें उसका मतलब जानना है, हमें उनका दिल रखने के लिए क्यों नहीं होता हम बोलते मेरी क्रिसमस बोल के। मेरी क्रिसमस का मतलब है कि अल्लाह बेटे को जन्म दिए बोल के, और ये नाउज़ुबिल्लाह बहुत बड़ा गुनाह है, तो ये गुनाह से हमें बचना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई हम भी स्टेटस में लगा रहे मेरी क्रिसमस बोल के, तो वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ, अपने स्टेटसों में लगा रही, विश कर रही हूँ। देखिए ये एक शिर्क है, तो गुजारिश है कि अनौज बिल्ला ये मेरी क्रिसमस मत बोलिए, और एहतियात भी कीजिए, जो भी हम करते उसे सोच समझ के हमें आगे बढ़ना। तो मेरी क्रिसमस बोलना शिर्क है, तो ये मत बोलिए, और अपने स्टेटसों में लगा रही, विश कर रही। हम ना सवासा सिर्फ अल्लाह से, हमारा रिश्ता सिर्फ अल्लाह के साथ, बाकी की दुनिया ये पूरी मतलब की है। मतलब रहे तक आपके साथ रहती, मतलब होते ही हट जाती, समझ रही, मतलब होते ही हट जाती, जब तक मतलब है आपके साथ रहती, तो वो दुनिया में हमें जी रहे। तो जहां पर भी शिर्क की बात होती तो हक की बात आप करो, रोको, जहां पर भी गलत हो रहा, जिधर भी गलती हो रही आप रोको, वहां पे आवाज उठाओ आप। यही है मुसलमान की जबान, जो हक की बात करते वही सही रास्ते पे है, जो ईमान लाए वही सही रास्ते पे है, जो सब्र कर रही वही सही रास्ते पे है। जब आप हक की बात कर रही तो लोग दुश्मन होते आपके, अपने भी आपसे दूर हो जाते, लेकिन आपको करना है हक की बात। अल्लाह के लिए क्यों नहीं होता, करना है आपको हक की बात। जहां पे अल्लाह की बात में कुछ गलती आ रही तो रोकना है आपको, लेकिन हमें साथ देती, ठीक है। तो मेरी क्रिसमस बोलना ये शिर्क है, तो आजिज़ाना गुजारिश है आप सभी से, कोई भी जो है मेरी क्रिसमस बोल के सेलिब्रेट कर रही तो अल्लाह की पनाह में आओ, और हर वक्त अल्लाह के पास दुआ करो कि ऐ अल्लाह मुझे तेरे अलावा किसी और का मत बना, एक सेकंड भी मुझे इस दुनिया के हवाले मत कर, ये मतलब ही दुनिया के हवाले मत कर मौला। अगर ये एक सेकेंड के लिए भी मुझे आप दूर कर दिए तो कुछ भी हो सकता, बर्बाद हो जा सकते।